क्यों इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए एल्डोल संघनन यहाँ पर सीखेंगे। यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं इसकी। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या सीखना है, एल्डोल संघनन। तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, एल्डोल संघनन, तो समझिएगा यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को समझिएगा आप लोग। ठीक है, हम आपको लिख के दिखा रहे हैं यहाँ पर हैं। क्या लिखेंगे आप, जब जब एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन की तनु क्षार की उपस्थिति में, तनु क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लोग, क्रिया कराते हैं, तो एल्डोल बनता है। ठीक है, तो क्या होता है, तो एल्डोल बनता है, और इस प्रकार की क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। तो आप लोग बात को समझ गए हैं कि जब क्या करें आप, तो या तो एल्डिहाइड या कीटोन, और इसकी क्रिया कराने किससे है, तनु क्षार की उपस्थिति में क्रिया करानी है, तो क्या बनेगा, एल्डोल बनेगा। और इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, एल्डोल संघनन। कैसे क्रिया होगी ये बात आपको समझनी है। आपको करना क्या है, आपको एल्डिहाइड लिखना है, कोई भी एल्डिहाइड आप लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं CH3CHO, ये क्या है, तो ये आप कहेंगे ये आपका एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड, और आपको एल्डिहाइड की क्रिया एल्डिहाइड से ही करानी है। बात को समझेगा यहाँ पर। और यदि आप कीटोन लेते तो आपको कीटोन की क्रिया कीटोन से ही करानी पड़ती। हमने यहाँ पर एल्डिहाइड को स्टार्टिंग में पकड़ा है, तो हम एल्डिहाइड की क्रिया एल्डिहाइड से ही कराएंगे। एल्डिहाइड आपने देख लिया CH3CHO है, और अब हम जो दूसरे टाइप में लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो उसे हम इस तरीके से लिख लेंगे H, ठीक है, और इस तरीके से CH2CH3। हाँ, एक मिनट, यहाँ पर CH हो जाएगा। ठीक है, हम इसे इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे। तो हम दोबारा में जब इसके लिखेंगे तो इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, उपस्थित कर देनी है तनु, और क्षार है आपका, क्षार के लिए आप कर देंगे NaOH। तो इस तरीके से आपको एल्डिहाइड की क्रिया, और करानी किससे है, एल्डिहाइड से ही करा देनी है। ठीक है, तनु क्षार की उपस्थिति में, तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आपका OH, ये जो आपका OH यहाँ से हटाइएगा, और यहाँ से आप लोग H रहेगा। ठीक है, किस तरीके से आप लाएंगे इसको यहाँ पर समझिएगा। आपको लिखना है CH3 लिखना है, सिंगल बॉन्ड CH लिख लेना है। ठीक है, और आगे आपका क्या बचेगा वो भी लिख लीजिएगा आप लोग। आपका बचेगा CH2 और CHO, और बीच में आपका जो HOH है ये किस तरीके से यहाँ से हटेगा, तो ये आपका एक चीज़ ऊपर आप लगाइएगा दूसरे वाले सी पर, एक चीज़ को आप नीचे लगा लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर आपका सिर्फ सी था, देखिएगा, तो यहाँ पर आप सिर्फ सी लिखेंगे क्योंकि इधर आप सिर्फ आपका सी था, OH तो हट गया था यहाँ पर। तो इस तरीके से आप करेंगे, और यहाँ पर आप लगाएंगे सिंगल बॉन्ड, तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा एल्डोल। ठीक है, और इस पूरी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, एल्डोल संघनन। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब